सोमवार के दिन भारतीय बाजारों में तो हमने देखा था कि काफी शानदार बढ़त यहाँ पर देखने को मिली थी, और सोमवार का दिन भी काफी अच्छा रहा था भारतीय बाजारों के लिए। कल गुरुवार का दिन गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भारतीय बाजार बंद है, लेकिन हमने जो क्लोजिंग देखी थी वो काफी शानदार देखने को मिली थी भारतीय बाजारों की एक सेशन पहले। अब देखना होगा आज के ग्लोबल संकेत और एशियाई बाजारों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में चाल जो है वो किस तरह की रह सकती है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उस बात का भी ध्यान रखिए और उसके चलते आज बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि सुबह सुबह के संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 48 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। निकेई के बाजारों में 430 अंकों की कमजोरी इस पर दिखाई दे रही है। हांगकांग के बाजार भी लाल निशान में ही 215 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो कमजोरी का दिखाई दे रहा है। सारे ही इंडेक्स करीब करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। एक बार आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिखा देते हैं और यहाँ पर भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। तीनों ही स्टॉक फ्यूचर इस वक्त लाल निशान में ही खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 124 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो संकेत जो है वो कमजोरी के हैं। और कल क्योंकि भारतीय बाजार तो बंद थे, लेकिन अगर बाकी ग्लोबल मार्केट्स का ये चाल हम देखेंगे तो वहाँ पर भी वीकनेस ही देखने को मिली और काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि कमजोरी आई थी। पहले तो अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो ये सभी लाल निशान में बंद हुए और डाउ जोन्स 280 अंक गिरकर करीब दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार जो अगस्त महीना था अमेरिकी बाजारों के लिए वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। हमने देखा कि तीनों ही इंडाइसेस में करीब करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी थी और कल के सेशन की बात करें तो दबाव टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स में सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। एक और यहाँ पर खबर निकल कर आई कल के दिन और हमने देखा कि प्राइवेट पेरोल्स जो कि ADP ने जारी किया उनके मुताबिक पिछले महीने 2.68 लाख के मुकाबले 1.32 लाख की ही बढ़त इस बार देखने को मिली है। तो जो हायरिंग ये जो आंकड़ा था ये दर्शाता है कि हायरिंग कैसी चल रही है, तो वहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला और इसके चलते हमने देखा कि जो मंदी की चिंता है वो बढ़ते हुए नजर आ रही थी। और इस आंकड़ों के बाद हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त देखी और कमजोरी भी देखी, हमने बाजारों में भी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। एक और यहाँ पर बयान निकल कर आया क्लीवलैंड के जो फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट हैं उनके मुताबिक ब्याज दरें 4% से ऊपर जा सकती हैं। तो महंगाई को लेकर भी चिंता बनी हुई है और ब्याज दरों में भी आगे बढ़त की तेजी से बात की जा रही है। इन सभी माहौल को देखते हुए हमने कल देखा कि बाजारों में कल दबाव देखने को मिला। यूरोप के बाजारों में भी मंदी का टेंशन बना हुआ था। अन्य संकेतों की बात करेंगे तो मंदी के डर से कच्चा तेल 2.7% गिरकर 96 के पास आ चुका है। हालांकि वहां पर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल 96 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कच्चा तेल। ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी की चिंता से सोने में हमने देखा कि 4 साल में सबसे बड़ी मंथली गिरावट देखने को मिली है। और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो वो भी 109 के पार आ चुका है। तो डॉलर में जिस तरह से तेजी आई है सोने में हमने देखा कि वहां पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा कमजोर पेरोल रिपोर्ट से जो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स थी वो भी 3.2% के पास आ चुकी हैं। तो ओवरऑल फिलहाल मूड और माहौल की अगर बात करें भारतीय ग्लोबल मार्केट की और एशियाई बाजारों की तो फिलहाल सेंटिमेंट्स थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय बाजारों के लिए आज कैसा दिन रहता है। जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में बताया कि आज वीकली एक्सपायरी भी है और सेंटीमेंट्स थोड़े कमजोर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आज थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुरुआत शायद गिरावट के साथ होते हुए दिखाई दे भारतीय बाजारों की, लेकिन एक बार रणनीति समझ लेते हैं कि आज किस तरह की रणनीति बना के चले मार्केट में। और हमारे साथ ब्रजेश सिंह अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी बता देते हैं। और कैश मार्केट की बात करें FIIs ने तो करीब 4,166 करोड़ की यहां पर खरीदारी देखने को मिली है, ये आंकड़ा मंगलवार का था। और DIIs की बात करेंगे तो कैश मार्केट में करीब 657 करोड़ की यहां पर उनकी तरफ से बिकवाली देखी गई है। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो खरीदारी का ही है, 1782 करोड़ की जो खरीदारी है वो इंडेक्स फ्यूचर में और 8,332 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली है। तो ये कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी यहां पर निकल कर आए हैं।